अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम अजीजों और दोस्तों, अय्याम कुर्बानी करीब हैं, इसलिए कुर्बानी के अहम और ज़रूरी मसाइल का समझना नहायत ही ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम कुर्बानी का सबसे अहम और ज़रूरी मसला इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे, और वो मसला ये है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, कुर्बानी किसको करना ज़रूरी है और किस पर वाजिब नहीं है। तो मेरे अजीज और दोस्तों, याद रखिए कि कुर्बानी हर आकिल बालिग मुकीम मुसलमान मर्द औरत पर जो के साहिब निसाब हों उस पर वाजिब होती है। अब साहिब निसाब कौन है, निसाब क्या है कुर्बानी का, इसको समझना ज़रूरी है। आपने एक निसाब तो ज़कात के बाब में समझ रखा है, तो उसके अंदर कुछ और चीज़ों का इजाफा है, इसको आप तफसील से समझ लीजिए। देखिए, कुर्बानी का निसाब ये है, यानी साहिब निसाब कौन होगा कुर्बानी के बाब में, जो शख्स भी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी का मालिक हो वो साहिब निसाब है, या फिर कोई शख्स है जिसके पास 52.5 तोला चांदी के माल की कीमत के बराबर उसके पास माल तिजारत मौजूद है, या फिर उसके पास 52.5 तोला चांदी की रकम मौजूद है, या फिर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास उसकी जरूरियात असलिया से जायद इतना सामान इतनी चीजें मौजूद है कि उन सब की अगर कीमत निकाली जाए तो वो 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के बराबर उसकी कीमत बनती है। तो ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, जरूरी हो जाती है। यानी जो शख्स भी अय्याम कुर्बानी में 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी का मालिक हो जावे, या फिर इतनी कीमत उसके पास आ जावे, या जरूरियात असलिया से जायद इतना सामान उसके पास हो कि जिसकी कीमत निकाली जाए तो वो 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जावे, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। यानी अगर कोई शख्स 10, 11, 12 जिलहिज्जा के ग्रुप से पहले भी अगर इतनी कीमत का मालिक हो जाता है या इतना सामान उसके पास आ जाता है जो उसकी जरूरियात असलिया से जायद है, और चाहे वो माल तिजारत हो या न हो, तब भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएंगी। अब फर्क क्या है इसको समझिए, जकात और कुर्बानी के निसाब में फर्क क्या है। देखिए, जकात के निसाब में क्या होता है, सोना चांदी बैंक बैलेंस और माल तिजारत का हिसाब लगाया जाता है निसाब को पूरा करने के लिए। लेकिन कुर्बानी में होता यह है कि कुर्बानी में इन सारी चीजों के साथ साथ, यानी सोना चांदी बैंक बैलेंस इसी तरह माल तिजारत के साथ साथ हाजत असलिया यानी जरूरत असलिया से जायद चीजों का भी हिसाब लगाया जाता है। यानी किसी के पास 2 मकान है, एक मकान में वो रहता है, एक मकान उसकी जरूरत का है, और एक मकान यूं ही खाली पड़ा हुआ है, तो उस मकान का भी हिसाब लगाया जाएगा कुर्बानी के निसाब को पूरा करने के लिए, चाहे वो माल तिजारत हो या न हो। अब देखिए, अगर वो जायद मकान माल तिजारत नहीं है तो उसका हिसाब जकात के इसमें नहीं लगाया जाता, जकात के निसाब में नहीं लगाया जाता, लेकिन कुर्बानी के निसाब में लगाया जाता है। दूसरा फर्क यह है कि कुर्बानी के निसाब में निसाब पर साल का गुजरना भी जरूरी नहीं होता। यानी अगर कोई शख्स कुर्बानी के 3 जो दिन होते हैं 10, 11, 12 जिलहिज्जा, तो इन्हीं 3 दिन में से किसी दिन में अगर इतनी रकम का मालिक बन जावे या इतने सामान का मालिक बन जावे जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर बनती है और ये सामान उसकी जरूरियात असलिया से जायद है, तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। जबकि जकात के लिए साल का गुजरना जरूरी होता है, जब साल गुजरेगा तब वो जकात निकालेगा। तो ये फर्क है जकात और कुर्बानी के निसाब में। ये अक्सर बेशतर लोगों को मालूम नहीं है कि जकात के निसाब में जरूरियात असलिया से जायद जितना भी सामान होता है उसका भी निसाब के पूरा करने में हिसाब लगाया जाता है। अक्सर बेशतर लोग जकात का जो मशहूर निसाब है उसी को कुर्बानी का निसाब समझते हैं, और ये जो जायद चीज है ये चीज समझते नहीं है। तो आप इसको अपने जहन में रखिए, ठीक है। तो ये आपने जकात का निसाब और कुर्बानी का निसाब के दरमियान जो फर्क है उसको समझ लिया। अब ये भी समझ लीजिए कि ये जो निसाब होगा, ये निसाब उसके देन से, उसके कर्ज से अलहिदा होना चाहिए। यानी अगर कोई शख्स मकरूज है, किसी पर कर्ज है, तो कर्ज को मिन्हा किया जाएगा, कर्ज को माइनस किया जाएगा, और कर्ज को माइनस करने के बाद अगर उसके पास इतना माल बचता है जो 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत के बराबर बनता है, तो ही उसके ऊपर जकात वाजिब होगी। अब यहाँ पर एक मसला ये भी समझ लीजिए कि ये जो बड़े बड़े ताजिर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इनके ऊपर बहुत सारा कर्ज होता है, बैंक के लोन होते हैं, तो इनके पास बैंक बैलेंस भी बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन इनके ऊपर कर्ज भी करोड़ों और लाखों में होता है। तो अब बाज मरतबा अगर देखा जाए तो
तो इनके पास जो बैंक बैलेंस है अगर इसको कर्ज में दे दिया जाए तो इन लोगों के पास कुछ पैसे ही नहीं बचेंगे। तो क्या ऐसे लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है? तो मेरे अजीज और दोस्तों देखिए, इसमें याद रखिए कि एक साल में जितनी किस्तें उनको भरनी है कर्ज की, लोन की, ये जो रवा साल है, जो चालू साल है, इस साल के अंदर जितनी भी किस्तें उसको भरनी है बस उतनी ही किस्तें कर्ज के निसाब के माल में से मिन्हा की जाएंगी, माइनस की जाएंगी। साथ में यहाँ पर ये भी याद रखें कि बैंक वगैरह का जो कर्ज होता है ये अमूमन सूद पर मुश्तमिल होता है और सूद पर कर्ज लेना देना ये जायज नहीं है। तो मेरे अजीज और दोस्तों ये कुर्बानी का सबसे अहम मसला है कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। तो आप याद रखिए कि कुर्बानी हर आकिल बालिग मुकीम मुसलमान मर्द औरत के ऊपर जो के साहिब निसाब हो, यानी जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम मौजूद हो, या 52.5 तोला खुद चांदी मौजूद हो, या इतना माले तिजारत मौजूद हो, या उसकी जरूरियात असलिया से जायद इतना सामान मौजूद हो कि जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर बनती है, यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के बराबर बनती है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएंगे और ये निसाब का जो माल होगा ये देन उससे यानी कर्ज उससे माइनस किया जाएगा, मिन्हा किया जाएगा। तो आप इसको अपने जहन में रखिए। यहाँ पर एक बात भी आप ये जहन में रखिए कि जो जरूरियात असलिया से जायद जो सामान होता है ये कौन कौन सी चीजें होती है। देखिये कोई आदमी है जिसके पास 2 मोबाइल है, एक मोबाइल उसके इस्तेमाल में है, एक उसकी जरूरत का है, और एक यूं ही घर में पड़ा हुआ इस्तेमाल में आता नहीं है, तो उस मोबाइल का भी हिसाब लगाया जाएगा। किसी आदमी के पास 2 घर है, एक घर में वो रहता है और एक घर उसकी जरूरत का नहीं है लेकिन वो माले तिजारत भी नहीं है, तब भी उसका हिसाब जकात कुर्बानी के निसाब में लगाया जाएगा, जकात के निसाब में तो नहीं लगाया जाएगा, इसलिए जकात के निसाब में तो माले तिजारत होना जरूरी है और ये माले तिजारत नहीं है, बस यूं ही पड़ा हुआ है। इसी तरह किसी के घर में टीवी लगी हुई है, 20,000 की, 25,000 की, 40,000 की टीवी लगी हुई है और टीवी चूंकि जरूरत में दाखिल नहीं है तो इसका भी निसाब के अंदर यानी कुर्बानी के निसाब में इसका हिसाब लगाया जाएगा। इसी तरह किस बहुत सारे लोगों के घरों में इतने बर्तन होते हैं जायद और जरूरत जो सालों साल इस्तेमाल में नहीं आते तो इन बर्तनों का भी हिसाब लगाया जाएगा कुर्बानी के निसाब में। इसी तरह किसी शख्स के पास 2 गाड़ियां है, 4 गाड़ियां है, बस एक ही गाड़ी उसके यूज और इस्तेमाल में आती है, बाकी गाड़ियां यूं ही खड़ी हुई होती है इस्तेमाल में नहीं आती, तो उन गाड़ियों का भी हिसाब लगाया जाएगा कुर्बानी के निसाब को मुकम्मल करने के लिए। तो ये इन मसाइल को आप अच्छे से समझ ले, अक्सर व बेशतर इन बारीक बातों को समझते नहीं है और ये समझते कि हमारे पास कहाँ 52.5 तोला चांदी है या 52.5 तोला चांदी की रकम है। अरे भाई ठीक है, आपके पास 52.5 तोला चांदी नहीं है या 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत नहीं है लेकिन आपके पास जरूरियात असलिया से जायद इतना सामान मौजूद है कि अगर उसका हिसाब लगाया जाता है तो आप पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो आप क्या कीजिए, घर में बैठकर हर एक शख्स अपना मुहासबा करे, अपने मिल्कियत का हिसाब लगाए और देखे कि कहीं मैं अपनी तमाम जरूरियात असलिया से जायद में इतनी चीज का मालिक तो नहीं हूँ जो कुर्बानी के निसाब को पहुंचता है, यानी 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंचता हूं। अगर पहुंचता है तो जरूर कुर्बानी अदा करें, वरना मेरे अजीज और दोस्तों एक अहम फरीजा अदा करने से आप रह जाएंगे और आप गुनहगार बन जाएंगे। मेरे अजीज और दोस्तों यहां पर एक बात ये भी याद रखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में किसी एक शख्स के नाम से कुर्बानी कर देते। देखिए ये काफी नहीं है, घर के अंदर जितने अपराध है और उन अपराध में से जिन जिन के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है, यानी उनमें से जो जो शख्स भी 52.5 तोला चांदी की कीमत का मालिक बनता है, तो जैसे मैंने तफसीर शुरू में बयान किया उस एतबार से तो जो जिन लोगों के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है उनकी तरफ से कुर्बानी करना जरूरी होगा, घर के सिर्फ एक फर्द की तरफ से कुर्बानी करना काफी नकी होगा। तो इन मसाइल को आप अच्छे से समझ लें और अपने दीगर दीनी भाई बहनों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।